दोस्तों नमस्कार, मैं रमू सिंह। रीवा से अगर जनार्दन मिश्रा लोकसभा चुनाव हारते हैं तो जनार्दन मिश्रा की सेहत पर, राजनीतिक सेहत पर कोई अंतर नहीं पड़ेगा, मगर क्या डिप्टी सीएम बने राजेंद्र शुक्ला के राजनीतिक सेहत पर असर पड़ सकता है? बिल्कुल असर पड़ेगा। आज हम इस विषय पर चर्चा करते हैं। बीजेपी राजेंद्र शुक्ला को विंध्य प्रदेश में एक ब्राह्मण फेस के रूप में सामने लाने का प्रयास कर रही है, मगर कुछ रीवा के राजनीतिक विश्लेषण को देखें, राजनीतिक परिदृश्य को हम देखने का प्रयास करें तो राजेंद्र शुक्ला का ग्राफ गिरता हुआ नजर आ रहा है। पिछले विधानसभा चुनाव में रीवा जिले की 8 विधानसभा बीजेपी ने जीती थी। अभी हाल ही में संपन्न हुए 2023 के विधानसभा चुनाव में एक सीट बीजेपी ने गंवाई। अब बीजेपी के पास रीवा जिले की 7 विधानसभा हैं। एक विधानसभा जो बीजेपी से छीन कर ले गए, वही लोकसभा चुनाव भी लड़ रहे हैं। कांग्रेस ने बीजेपी से महापौर का पद भी छीन लिया है रीवा में। अगर इस दृष्टिकोण से देखें तो राजेंद्र शुक्ला के ग्राफ को हम गिरते हुए देख रहे हैं। अब हम बात करें लोकसभा चुनाव की। 2 बार के सांसद जनार्दन मिश्रा को लोग सिर्फ राजेंद्र शुक्ला का एक प्यादा मानकर चल रहे हैं, एक रबर स्टाम्प, एक मोहर मानकर चल रहे हैं। जनार्दन मिश्रा को कोई सांसद रीवा का मानने को तैयार ही नहीं है। अब अगर हम जनार्दन मिश्रा के विकास की गाथा को देखें कि 10 साल में उन्होंने रीवा के लिए क्या किया, तो कहीं वह स्कूल की बाथरूम साफ करते हुए दिख रहे हैं, कहीं किसी सार्वजनिक प्लेस में वह संडास साफ करते हुए नजर आ रहे हैं। यही विकास उनके नाम का लोगों ने देखा और उनके विकास के नाम पर यही देखा जा सकता है। फ्लाईओवर को राजेंद्र शुक्ला अपने नाम से जोड़ लें या जनार्दन मिश्रा अपने नाम से जोड़ लें। अब राजेंद्र शुक्ला के ग्राफ में अगर गिरावट आती है जनार्दन मिश्रा की चुनाव हारने से, तो उससे क्या फर्क पड़ेगा? क्या डिप्टी सीएम पद से उन्हें नीचे लाया जा सकता है? क्या उनका डिप्टी सीएम पद वापस लिया जा सकता है? चर्चाएं कुछ ऐसी भी राजनीतिक हलकों में हो रही हैं कि अगर रीवा से जनार्दन मिश्रा लोकसभा का चुनाव हारते हैं तो बीजेपी कहीं राजेंद्र शुक्ला के कद को कम न कर दे और किसी दूसरे ब्राह्मण चेहरे को सामने ले आकर रख दे, क्योंकि बीजेपी ऐसे निर्णय लेने में देर नहीं करती। जैसे देखिए, सीएम पद से शिवराज सिंह चौहान को 2 सेकंड में किनारे करके डॉक्टर मोहन यादव को बैठा दिया गया। ठीक उसी प्रकार जब सीएम को हटाया जा सकता है तो डिप्टी सीएम किस खेत की मूली है? ऐसी चर्चाएं राजनीतिक हलकों में बहुत जोरों पर हो रही हैं। अब यह प्रश्न आ रहा है कि अगर राजेंद्र शुक्ला को बीजेपी साइड लाइन में कर देती है तो फिर मौका किसे मिलेगा? अब इस पर अगर ध्यान दें या इस पर अगर गौर करें तो ऐसा कौन ब्राह्मण चेहरा रीवा संभाग में या विंध्य में है जो राजेंद्र शुक्ला के टक्कर का हो, जो विंध्य का नेतृत्व कर सके? अगर इन सब पर हम गौर करके देखें तो मुझे एक ही नाम सामने आता हुआ दिख रहा है। वह नाम है रीति पाठक। रीति पाठक चूंकि सांसद रही, केंद्रीय मंत्री बनने की दौड़ में रही और
उन्हें मध्य प्रदेश के मंत्रिमंडल में भी मंत्री तक नहीं बनाया गया। तो अगर राजेंद्र शुक्ला के कद को कम किया जाएगा तो रीति पाठक के कद को बढ़ाया जा सकता है। ब्राह्मण को बीजेपी इग्नोर बिल्कुल भी नहीं कर सकती, इसलिए अगर ब्राह्मण राजेंद्र शुक्ला को डिप्टी सीएम पद से हटाया जाएगा तो किसी ब्राह्मण चेहरे के नाम पर रीति पाठक को सामने लाया जा सकता है। अब डिप्टी सीएम बनाती है बीजेपी या उन्हें मंत्री बनाती है, यह तो उनके पार्टी का मामला है, मगर यह डिपेंड करता है रीवा लोकसभा के चुनाव परिणाम पर। रीवा लोकसभा का चुनाव अगर अभय मिश्रा कांग्रेस जीत जाते हैं तो उससे क्या फर्क पड़ेगा? उससे यह फर्क पड़ेगा कि जो अभय मिश्रा 2 महीने पहले कांग्रेस छोड़कर बीजेपी ज्वाइन किए और उसे आभास हुआ कि बीजेपी उन्हें टिकट नहीं देने वाली है, वह तुरंत वापसी करते हैं कांग्रेस की ओर और विधानसभा की टिकट भी लेकर आते हैं और विधानसभा का चुनाव भी जीत जाते हैं। यह बात भी सभी को मालूम है कि अभय मिश्रा और राजेंद्र शुक्ला में 36 का आंकड़ा है, दोनों में आपस में बिल्कुल भी नहीं बनती, और अभय मिश्रा ने जिस कैंडिडेट को चुनाव हराया है केपी त्रिपाठी को, वह राजेंद्र शुक्ला के ही एक छोटे से प्यादे कहे जाते हैं। प्यादे इसलिए कहे जाते हैं कि कभी केपी त्रिपाठी उनके यहां काम करते थे। तो केपी त्रिपाठी को हराना मतलब राजेंद्र शुक्ला को हराने के बराबर लोग मानकर चल रहे हैं। तो अगर जनार्दन मिश्रा लोकसभा चुनाव हारते हैं अभय मिश्रा से तो यह हार भी राजेंद्र शुक्ला के नाम पर लिखी जाएगी। ऐसे में बीजेपी आगे क्या बड़ा निर्णय ले सकती है यह देखना काफी दिलचस्प होगा, मगर राजनीतिक हलकों में ऐसी चर्चाएं जोरों पर हैं कि राजेंद्र शुक्ला के कद को बीजेपी कम करने में बिल्कुल भी समय नहीं लगाएगी अगर रीवा लोकसभा का चुनाव बीजेपी हारती है तो। इस विषय पर आप लोग क्या सोचते हैं कमेंट्स बॉक्स पर लिखकर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।